हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सौम्या। सौम्याज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बैगन की सब्जी। बैगन की सब्जी बनाने के लिए बैगन, एक मूली जो हमने धोकर के काट ली है, एक मीडियम साइज का आलू, इसको भी हमने काट लिया है, पानी, नमक, रेड चिल्ली पाउडर, धनिया पाउडर, हरा धनिया महीन कटा हुआ, एक टमाटर चाहिए मीडियम साइज का, सरसों का तेल या रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं, हींग, हल्दी, गरम मसाला, जीरा, खटाई, अदरक और मिर्च का पेस्ट। सबसे पहले हम बैगन को काट लेंगे। इस तरीके से इसके छोटे छोटे पीसेस काट लेंगे। पानी में डाल देंगे बैगन को। टमाटर को भी हमने धो लिया है। टमाटर को बस रफली चॉप कर लेना है। अब गैस पर एक कुकर रखेंगे। कुकर में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून सरसों का तेल। ऑयल को अच्छे से गर्म हो जाने दें। ऑयल गर्म हो गया है, इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून जीरा, 1/4 टीस्पून हींग, अदरक और मिर्च का पेस्ट, ये 1 टेबल स्पून डाला है हमने, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून हल्दी। मिक्स करने के बाद इसमें डालेंगे मूली, एक मूली कटी हुई या 1 कप के करीब, 1/2 कप आलू, टमाटर एक, और हमने जो बैगन काटा था इसको डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा पानी डालेंगे, करीब 1/4 का पानी। डालने के बाद टेस्ट के अनुसार नमक डाल करके मिक्स कर देंगे। ये सभी चीजें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। और कुकर में 3 से 4 सीटी लगा लेंगे कुकर में। उसके बाद गैस को बंद कर देंगे। अब कुकर में 4-5 सीटी आ गई हैं। अब हम गैस को बंद कर देंगे। थोड़ी देर के लिए कुकर को ऐसे ही रखा रहने देंगे। अब कुकर में से सारी गैस निकल गई है। हम कुकर को खोल लेंगे। बैगन, आलू, मूली सभी चीजें गल चुकी हैं। हल्का सा कलछी से मैश कर देंगे। अब फिर से गैस को ऑन करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला। गरम मसाला थोड़ा सा कम ज्यादा भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून खटाई, 1/2 कप हरा धनिया डालेंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। सब्जी बहुत ज्यादा पतली भी नहीं होती है और एकदम सूखी भी नहीं होती है, हल्की सी लिपटमा सी सब्जी होती है ये। इस तरीके से अब सब्जी को स्लो गैस पर करीब 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। सब्जी को खदकते हुए करीब 2 से 3 मिनट हो गए हैं। ये बैगन की सब्जी तैयार है। अब हम एक बाउल में इसको सर्व करेंगे। ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे। बैगन की सब्जी तैयार है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी, और शेयर करें रेसिपी को। थैंक यू।